फ्रेंड, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में क्या हुआ था कि तीन कैटेगरी में बांट दिया गया था ABC। ए कैटेगरी में मैं बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है ए कैटेगरी में 5000, बी कैटेगरी में 2000 और सी कैटेगरी में 1000। तो सी कैटेगरी के लिए मैं ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि बियाडा के थ्रू होता था चयन, लेकिन इस बार क्या कर दिया, कैटेगरी सी में उद्यमी योजना में डाल दिया गया और सारा चीज़ आपका वो बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में आपका काम होगा। इसमें क्या है कि मैं कैटेगरी सी के मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने बताया क्या, ये देख सकते हैं कि इसमें 1000 था और 1000 जो आवेदन था ना, तो इसमें मैं 800 एक उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 से कम ही लोग इसमें भरते हैं, समझ रहे हैं, 857 के आसपास, कितने ध्यान में नहीं है, लेकिन हाँ 800-900 के बीच में डाला गया था। सीट इसमें खाली ही रह गया था, उतना नया नया था, कोई जान नहीं पाया था। अब इसमें क्या है कि अब देखिए कैटेगरी ए हो गया जो 51 प्रक्षेत्र हो गया, 51 प्रक्षेत्र में इतना आपका में बिजनेस आपको करना पड़ेगा, ये सब जो कैटेगरी दिया हुआ है इतने में से आपको करना पड़ेगा। और प्रक्षेत्र होता है, जो प्रक्षेत्र यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये देखेंगे ना कैटेगरी सी में, यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी सी में जो बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है ना कौन कौन है वो समझिए पहले यहाँ पे। अब इसमें ओनली फॉर मुजफ्फरपुर वाला का ही मैसेज आया है, इसलिए मैसेज मुजफ्फरपुर वाला का है तो मुजफ्फरपुर वाले को ही जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि समझिए पहले यहाँ पर कि कैटेगरी सी वाले के लिए मैं ध्यान से मैं आपको मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हाजीपुर पर हो गया और इसमें हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और बिहट्टा और ये बेतिया का है कुमारबाग, और एक पूर्णिया का है, ये सब हो गया, और आपका बरारी, भागलपुर, बेगूसराय, ये सब है, समझ रहे हैं। तो इतना में से जो दिया हुआ था ना, इसमें से आपका सभी को, जितने लोग ऑल पास थे, जितने कैटेगरी सी में अप्लाई किए थे सभी लोग पास हैं। पास के अलावा इसमें क्या है कि सभी को अलॉटमेंट कर दिया गया है, अगर जिसको अलॉटमेंट नहीं तो बताइएगा, अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब इसमें क्या कि कोई एक ही वो यहाँ पर दिया हुआ था ना भाई, इसमें दो गो के भले ही आप अप्लाई कर सकते थे, इसमें दो गो के साइज चुनना था, आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें अलॉटमेंट हो गया, तो अब भाई अब ऐसा क्या है कि अब हाजीपुर प्रक्षेत्र है ना, तो अगर इसमें कोई कैटेगरी नहीं था कि हाजीपुर में, तो हाजीपुर वाला डालेंगे, और किसी भी 38 जिला है ना, कोई भी जिला के लोग इसमें अपने इंटरेस्ट रुचि के अनुसार यहाँ पर डाल सकते थे, समझ रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों का मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र अलॉटमेंट हुआ है, तो मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर वाले जिला ही स्टैंडिंग में जाएंगे इसमें। अगर हाँ, अगर मान लेते सीतामढ़ी से आप थे और मुजफ्फरपुर में आपने अप्लाई किया था, तो आपका ट्रेनिंग होगा, यानी इतना माइंड में रखिए कि जिनका मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र, समझ रहे हैं, जिनका मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र अलॉटमेंट किया गया है, वो सारे भाई का यहाँ पे मैसेज गया है, और जिन भाई को मैसेज गया है वो सारे लोग यहाँ पे जाएंगे, समझ रहे हैं। अभी तक तो मेरे यही पता है, अगर हो सकता है कि यहाँ पर बिहट्टा वाले हो गए, इसके बाद कुमारबाग वाले हो गए, मारंग पूर्णिया, इसके बाद आपका है बरारी, भागलपुर, बेगूसराय, ये सब हो गया। तो आठ प्रक्षेत्र आपका ये जो इतना बिजनेस है, ये बिजनेस आपको करना, रेडीमेड वस्त्र, कसीदा, ये सब आपको करना पड़ेगा। और उस अब इसमें क्या है कि कैटेगरी सी वाले के लिए यही ना है, मेनली जो 7 गो है यही है, आप थोड़ा देखिएगा, जैसे हाजीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बिहट्टा जो पटना सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र,
और एक है आपका कुमार बाग बेतिया का हो गया, मारंग पूर्णिया हो गया, बृहत बरारी भागलपुर हो गया, बेगूसराय हो गया। और ये प्रति वर्ग स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा। और वहाँ पे आप मशीन सारा चीज़ आपको जितना भी मशीन है ना, वो मशीन ले जाकर के वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा और आप वहाँ पे काम कीजिएगा। वहाँ पर सीड जो है भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। बस अब तो ये है कि वहाँ सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। जैसे अब मुजफ्फरपुर मिला तो मुजफ्फरपुर का वहाँ पर देखें मार्केट एबिलिटी अच्छा है, वहाँ पर लाइन अवेलेबल रहता है। अब यही गांव घर में करते तो उतना नहीं अच्छा से हो सकता, तो मार्केट अवेलेबल है वहाँ पर, तो ये सब आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये जो नॉर्मल चार्जेज है और इतना जो आपको शेड बनाया आपको शेड मिला है, ये सब है, तो आप जाइए और शेड का फोटो हो सके तो टेलीग्राम पे आप डाल दीजिएगा। आप लोग जो भी अपडेट होगा मेरे भाई, मैं आपको देता रहूँगा, इसमें मेरे उससे आश्वस्त रहें। इससे आपको इतना है कि भाई मान लेते हैं कि कोई अपडेट रहेगा तभी ना कोई देगा जी क्या, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग वहाँ पर व्हाट्सअप में जाइए, व्हाट्सअप में जो लोग जा रहे हैं उनसे मैं ये आग्रह करूँगा कि आप जो है ना थोड़ा जुनून के साथ टेलीग्राम में वहाँ पे वीडियो ये सब डाल दीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ अपडेट आप ही लोग के माध्यम से मिलता रहता है। वैसे भी ऑफिशियली जो भी अनाउंसमेंट होता है वो मैं आपको तो मैं देता हूँ, प्लस में क्या है कि मेरा प्रयास रहता है कि ऑफिशियल नोटिस आ जाएँ, कुछ लड़कों द्वारा आ जाएँ क्या, ये इतना हम लोगों का बड़ा फैमिली हो गया, कहीं से तो लीक हो ही जाएगा क्या, कोई भी जानकारी हम लोग के पास ऐबे करेगा, हमको नहीं लगता है कि कोई भी जानकारी आपको छूट जाएगा। दिनांक 25/4 यहाँ समझिए 25/4/2023 को पूर्वाह्न 9 बजे से अधिवेशन भवन पुरानी सचिवालय पटना में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ पर आपका एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। वैसे भाई जो 4 तारीख को वर्कशॉप हुआ था उसमें शामिल आप नहीं हुए थे, तो भाई शामिल होना है हर हाल में, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही वहाँ पे जाना है, वहीं पे आपको शेड अलॉटमेंट किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई दो यहाँ पे देख रहे हैं, दो डेट दिया हुआ है, यानी 25 तारीख के एक 9 बजे पूर्वाह्न में, तो 9 बजे से वैसे छूटल फूटल को समझ रहे हैं। आइए वो है कि भाई जेकर जब मुजफ्फरपुर बियाडा प्रक्षेत्र मिल गया है तो वैसे औद्योगिक क्षेत्र मिल गया है, वैसे लोग का 1 बजे से होगा, तो 9 बजे 1 बजे दो डेट पर होगा, 9 बजे छुटर का, 1 बजे किसका होगा, तो 1 बजे होगा जिन भाई का मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र मिला है। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।